नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ड्रोन उद्योग में तेजी के कारण देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन समारोह भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ड्रोन तकनीक देश के अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में सहकारी संस्थानों के प्रमुखों के सेमिनार सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। इससे प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता बढ़ेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल के कारावास की सजा। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रविवार से शुरू होगा। लद्दाख में नुब्रा घाटी में तुरतुक के पास एक वाहन दुर्घटना में सेना के 7 जवानों की मौत और 19 घायल। जकार्ता में एशिया कप हॉकी में कल पहले सुपर 4 मुकाबले में भारत का सामना जापान से होगा। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर 2 में रॉयल चैलेंजर्स के साथ राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्र बनने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ये तकनीक कृषि, रक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और भू मैपिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रौद्योगिकी के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी मदद से अंतिम छोर तक सामान पहुंचाया जा सकता है और अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन प्रौद्योगिकी को कारगर बताते हुए कहा कि ये तकनीक सेवा प्रदान करने और लोगों के जीवन को सुगम बनाने में भी सक्षम है। सेवाएं प्रदान करने में ड्रोन प्रौद्योगिकी को प्रभावी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस तकनीक से कृषि क्षेत्र को एक अन्य स्तर तक ले जाया जा सकेगा और ये सीमांत किसानों की प्रगति सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी की दिशा में किसानों का विश्वास पिछले 8 वर्षों में बढ़ा है और अब वे निर्भय होकर इस प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन क्षेत्र में रोजगार अवसरों के सृजन की काफी क्षमता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मंत्र के अंतर्गत सरकार ने प्रौद्योगिकी को एक ऐसे सेतु की तरह उपयोग किया है जिससे आम नागरिकों का कल्याण किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रोन देश के दूरदराज के इलाकों में दवाएं और वैक्सीन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने ड्रोन की मदद से केदारनाथ पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा भी की थी। उन्होंने कहा कि पहली बार इस योजना के अंतर्गत देश के गांवों में प्रत्येक संपत्ति की डिजिटल मैपिंग भी की जा रही है। पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है और भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसमें बड़ी भूमिका ड्रोन की रही है। थोड़ी देर पहले मुझे भी स्वामित्व ड्रोन उड़ाने का, उसकी टेक्नोलॉजी समझने का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि ड्रोन की मदद से अभी तक देश में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट हो चुके हैं और जिसको ये कार्ड मिल गया है उसको संतोष है कि हाँ, मेरे पास जितनी जमीन है सही डिटेल मिल गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने ड्रोन सेक्टर पर लागू प्रतिबंधों में कमी की है। उन्होंने कहा कि ड्रोन क्षेत्र के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई।
उन्होंने निवेशकों से अपील की कि वे भारत में तेजी से बढ़ रहे ड्रोन सेक्टर में निवेश करें। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे आगे बढ़ रहे ड्रोन स्टार्टअप स्थापित करें। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत पिछले 8 वर्ष में प्रौद्योगिकी क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार ड्रोन उद्योग वर्ष 2026 तक 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्राप्त कर लेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भारत सदैव एक फॉलोअर होता था, आज भारत एक लीडर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। नेतृत्व करने की क्षमता भारत की हो चुकी है और ये एक ऐसी क्रांति है जो फैल रही है, लेकिन इसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसकी फैलाव का कोई अंत नहीं होने वाला। ड्रोन का क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत आगे ले जाएगा। ड्रोन क्रांति की ये चिंगारी सबसे पहले हमारे किसान और हमारे ग्रामीण भाई बहनों ने पूरे देश में लगाई है, लेकिन इसकी उज्ज्वला पूरी देश में फैलनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि अमृत महोत्सव से अमृत काल तक के सफर में हमारा भारत विश्व का ड्रोन हब 2030 तक बनकर विश्व का नेतृत्व करेगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में चेन्नई के दक्षा अनमैंड सिस्टम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथन ने बताया कि ड्रोन का उपयोग कई तरह से किया जा रहा है। ये ड्रोन इंडस्ट्री में इंडिया फ्यूचर में एक हब बनने के लिए जा रहा है। किसान और जवान के बाद सर्विलेंस का भी चलता है। सर्विलेंस बोला तो लोकल पुलिस और कमांडो फोर्स भी हो जाएगा। डिजास्टर रिलीफ में भी ड्रोन यूज कर रहा है। पोर्ट में, साइक्लोन में जैकेट वगैरह डाल के, ड्रोन से डाल के आदमी लोग से लाइफ सेव कर सकता है। सुरक्षा का भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है ड्रोन। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ड्रोन महोत्सव वर्ष 2030 तक भारत को दुनिया का हब बनाने में गेम चेंजर साबित होगा। इस महोत्सव में 1,600 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस 2 दिवसीय महोत्सव के दौरान 1,600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे और 70 से अधिक प्रदर्शक प्रदर्शनी में ड्रोन दिखाएंगे। उद्योग जगत की कई हस्तियां, सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिक, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के प्रतिनिधि, निजी कंपनियां और ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप इस महोत्सव में भाग लेंगे। महोत्सव के दौरान ड्रोन के पायलटों को प्रमाण पत्र से सम्मानित करने, ड्रोन के विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने और स्वदेश में बनी ड्रोन टैक्सी को प्रदर्शित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ड्रोन अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए काफी लाभकारी साबित होंगे। इनमें कृषि, खनन, बुनियादी ढांचा, निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, परिवहन, भू मानचित्रण, रक्षा और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि महाराष्ट्र की भूमि धन्य है, जिसमें कई महान संत पैदा हुए और देश उनके सकारात्मक और आध्यात्मिक विचारों से लाभान्वित हुआ। मराठा राजाओं ने देश को दिशा दी। श्री कोविंद ने कहा कि महाराष्ट्र ने सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभाई। राष्ट्रपति ने आज पुणे में स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मीबाई दगरुशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के 125वें वर्षगांठ समारोह में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि दगरुशेठ दंपति ने गणपति और दत्तात्रेय की पूजा के जरिए देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ट्रस्ट की सराहना की कि वो उनके आदर्शों पर चलते हुए सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है। इस ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों में शामिल हैं जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण और विशेषकर मुस्लिम भाइयों का अभिनंदन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अनेक हिंदू कोविड ग्रस्त मृतकों का दाह संस्कार किया। ऐसे कार्य हमारी एकता और सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहित करते। लोक मान्यता के अनुसार दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, जो पंच तत्वों सहित प्रकृति से जुड़े सभी पशु पक्षी एवं अन्य जीव थे। उनके इस अनुभव से यह रेखांकित होता है कि शिक्षा और अभ्यास सभी स्रोतों से आते हैं और आत्म प्रयास सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देश की अनुमति दे दी है। इन दिशा निर्देशों को 15वें वित्त आयोग की समयावधि में कार्यान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य साझा सुविधा केंद्रों और बुनियादी विकास में हस्तक्षेप के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धा और उत्पादन बढ़ाना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार साझा सुविधा केंद्रों के लिए अनुदान को 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना के 70% और 10 करोड़ से 30 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के 60% भाग तक सीमित किया जाएगा।
द्वीपीय क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों समेत पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए अनुदान परियोजना की लागत का 80 और 70 प्रतिशत दिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि बुनियादी विकास के लिए अनुदान नए औद्योगिक क्षेत्र फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर स्थापित करने के लिए 5 करोड़ से 15 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर को उन्नत बनाने के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ड्रोन उद्योग में तेजी के कारण देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश की सबसे बड़ी ड्रोन समारोह भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ड्रोन तकनीक देश के अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में सहकारी संस्थानों के प्रमुखों के सेमिनार सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देश को मंजूरी दी, इससे प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता बढ़ेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 वर्ष के कारावास की सजा। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रविवार से शुरू होगा। लद्दाख में नुब्रा घाटी में तुरतुक के पास एक वाहन दुर्घटना में सेना के 7 जवानों की मौत, 19 घायल। जकार्ता में एशिया कप हॉकी में कल पहले सुपर 4 मुकाबले में भारत का सामना जापान से होगा और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के साथ राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के दौरे पर जाएंगे। वे नवनिर्मित मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जाएंगे। प्रधानमंत्री शाम को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। इसमें विभिन्न सहकारी नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कलोल में नवनिर्मित इफको के नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के अनाथ बच्चों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बाल कल्याण योजना के लाभार्थी 43 अनाथ बच्चे भी शामिल होंगे। ये बच्चे ठाणे जिले के कलेक्टर कार्यालय से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इनमें से 18 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ बच्चे कलेक्टर कार्यालय में और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे वेबकास्ट के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रविवार को मुंबई के फिल्म प्रभाग परिसर में शुरू होगा। महोत्सव में वृत्तचित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्में दिखाई जाएंगी। इस परिसर में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थित है। सप्ताह भर चलने वाले द्विवार्षिक फिल्म महोत्सव के लिए 30 देशों से 808 फिल्म प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से प्रतियोगिता श्रेणी में 102, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 35 और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 67 फिल्में दिखाई जाएंगी। MIFF प्रिज्म श्रेणी के अंतर्गत 18 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष बांग्लादेश को विशेष देश का दर्जा दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू जिला न्यायालय ने आज 4 साल की कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उनकी 4 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उन पर 1993 से 2006 के बीच आमदनी से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह जिले के तुरतुक के पास एक वाहन दुर्घटना में भारतीय सेना के 7 जवानों की मौत हो गई और 19 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।
दुर्घटना आज सवेरे वाहन के चालक द्वारा नियंत्रण खोने के कारण हुई और वाहन फिसलकर श्योक नदी में जा गिरा। सूत्रों के अनुसार आज सवेरे 22 मराठा ली के 26 जवान परतापुर ट्रांजिट शिविर से तुरतुक सेक्टर में सब सेक्टर हनीफ के अग्रिम स्थल पर जा रहे थे। 7 सैनिक दुर्घटना स्थल पर मृत पाए गए। गंभीर रूप से घायल 19 जवानों को फील्ड यूनिट ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को सेना के विमान से चंडीगढ़ लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि वे वाहन दुर्घटना में वीर सैनिकों की मृत्यु पर दुखी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि घायलों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 192,97,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कल 14,41,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,710 नए मरीजों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला की 5वीं कड़ी प्रसारित करेगा। आज की 5वीं कड़ी नई सीमाएं नए अधिकार में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। इस विशेष कार्यक्रम को आज FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 से सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रत्येक सप्ताह ब्लॉक दिवस का आयोजन करता है, जिसे यौमे ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है। ये महत्वाकांक्षी जन अभियान कार्यक्रम का हिस्सा है। इस दौरान जिला विकास आयुक्त और अन्य अधिकारी विकास कार्यों की प्रगति का आकलन करते हैं तथा जनता के मुद्दों, शिकायतों और मांगों को सुनते हैं। हमारे संवाददाता ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने वाले इस दिवस के कुछ प्रतिभागियों के विचार जाने। कुलगाम जिले के कनीपुरा गांव के नासिर अहमद लोन कहते हैं कि अब ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LG एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे प्रोग्राम लेकर जहां अपने मांगे मनवाने के लिए लाइनों में, कतारों में बैठना पड़ता था, लेकिन आज एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है, मेगा ब्लॉक दिवस। उसमें सबसे बड़ी ये बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक डिपार्टमेंट के DDO साहिबान या जो अफसर साहिबान, सीनियर अफसर साहिबान हैं, वो इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। जो खास बात यह है, मसाइल जो है उनका रिड्रेसल ऑन स्पॉट होता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के बेहतर भविष्य में सुधार लाने और अर्थव्यवस्था के और विकास में सहायता के लिए रेलवे में सकारात्मक बदलाव लाने पर बल दिया है। नई दिल्ली में रेलवे संरक्षा बल सम्मान समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव तभी लाया जा सकता है जब रेलवे में ऐसा बदलाव लाया जाए। हमने 60-70 वर्षों की इस जर्नी में हमने टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब नहीं किया। आज भी हमारे पास ऐसे लोकोमोटिव्स हैं जो 1950 में डिजाइन हुए थे, 1970 में डिजाइन हुए थे। ऐसे कोचेज में चलते हैं जो 1970-1975 में दुनिया उनसे आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन आज भी हम उन्हीं पे बैठे हुए हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी को रैपिडली एब्जॉर्ब करना होगा, चाहे टेक्नोलॉजी रोलिंग स्टॉक की हो, चाहे टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे टेक्नोलॉजी सेफ्टी और सुरक्षा की हो, चाहे टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी की हो, किसी भी फेज में, चाहे ह्यूमन इंटरफेस वाली टेक्नोलॉजी हो, हर पॉइंट पर हमें टेक्नोलॉजी को रैपिडली एब्जॉर्ब करना होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
आज की कड़ी में हम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 27 मई 1964 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में 14 नवंबर को हुआ था। एक विद्यार्थी के रूप में उनकी रुचि उन सभी राष्ट्रों के स्वाधीनता संघर्ष में रही थी जिन्होंने विदेशी दासता की यातना भुगती थी। उन्होंने आयरलैंड के सिन फिन आंदोलन में गहरी रुचि ली थी। 1912 में वे इंग्लैंड से भारत लौटे और देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। ১৯১২ में ही उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिया और 1919 में इलाहाबाद में होम रूल लीग के सचिव बनाए गए। 1916 में पहली बार उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और वो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। 1920 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहली किसान रैली का आयोजन किया और फिर 1920 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन के सिलसिले में वो दो बार जेल गए। 1926 में मद्रास सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर प्रतिबद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया गया। 29 अगस्त 1928 को उन्होंने ऑल पार्टी कांग्रेस में भाग लिया। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की जिसने भारत को ब्रिटिश संपर्क से पूरी तरह मुक्त किए जाने की वकालत की। जवाहरलाल नेहरू इस लीग के महासचिव बनाए गए। 1929 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए जिसमें देश की पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। नमक सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों के सिलसिले में 1930 से 1935 के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। 31 अक्टूबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। अगले ही दिन 8 अगस्त को उन्हें अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1945 में जेल से रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह के आरोपी इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों और सिपाहियों के लिए लीगल डिफेंस तैयार किया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए और 1964 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रहे। महान भारतीय नेता जवाहरलाल नेहरू को हमारा शत शत नमन। आज हम महान राष्ट्रवादी हुकुम सिंह को भी याद कर रहे हैं जिनका निधन 27 मई 1983 को हुआ था। हुकुम सिंह ने 1928 में साइमन आयोग के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। मॉन्टगोमरी में प्रदर्शन करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में वो घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साइमन, गो बैक! साइमन, गो बैक! हुकुम सिंह का जन्म साहिवाल जिले के मॉन्टगोमरी में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। शिरोमणि अकाली दल के माध्यम से वे राजनीति में आए और 3 वर्ष तक इसके अध्यक्ष रहे। वो मॉन्टगोमरी सिंह सभा के भी सदस्य थे और 3 साल तक इसके प्रमुख रहे। 1924 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। विभाजन के बाद अगस्त 1947 में हुकुम सिंह भारत आ गए। अपनी परवाह किए बिना वो लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में जुट गए, लेकिन उनकी प्रतिभा छिपी नहीं रह सकी और जल्दी ही दिसंबर 1947 में उन्हें कपूरथला राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया। 30 अप्रैल 1948 को संविधान सभा के लिए चुने गए। संविधान सभा के विचार विमर्श में उन्होंने सक्रियता से भाग लिया और केवल 1 वर्ष बाद ही उनका नाम संविधान सभा के अध्यक्ष के पैनल के लिए मनोनीत कर लिया गया। हुकुम सिंह 1950 से 1952 तक अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। 3री लोकसभा में वे सदन के अध्यक्ष बनाए गए। उनके द्वारा तय नियम और संविधाएं आज भी संसद के कामकाज का मार्गदर्शन करती हैं।
1983 में 27 मई को उनका निधन हो गया। महान देशभक्त हुकुम सिंह को आकाशवाणी समाचार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली में भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में काम करेगा। ये पोर्टल डिजिटल व्यापार स्थल है जो लघु मध्यम निर्यात उद्यमियों, दस्तकारों और किसानों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार का पता लगाने और वैश्विक स्तर पर अपनी बिक्री बढ़ाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि व्यापार जगत के लिए ये विशेष समाधान प्रस्तुत करेगा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का अंग है। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि पर आधारित टूम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। टूम्ब ऑफ सैंड प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाला किसी भी भारतीय भाषा के अनुदित पहला उपन्यास है। हिंदी भाषा के इस उपन्यास का अनुवाद किया गया है। गीतांजलि श्री न केवल हिंदी की पहली पुरस्कार विजेता हैं, बल्कि ये पहली बार है कि किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक ने बुकर पुरस्कार जीता है। गीतांजलि श्री ने कहा कि टूम्ब ऑफ सैंड को पुरस्कार मिलना एक उदासी भरी संतुष्टि है। ये उस दुनिया के लिए एक शोक गीत है जिसमें हम रहते हैं। जिन भूमिकाओं में वो पहले रह रहे थे, बतौर अम्मा, बतौर पत्नी वगैरह वगैरह, वो जैसे जैसे उस सब से थोड़ा मुक्त होते जाते हैं, उम्र भी साथ साथ बढ़ती जाती है, तभी ये होता है कि वो अपने अंदर एक दूसरी तरह की स्वतंत्रता भी महसूस करते हैं। तो ये कोई बहुत ही अकेले किसी एक की बात है ही नहीं, हमारे चारों ओर इसके उदाहरण हैं। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 632 अंक बढ़कर 54,885 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 182 अंक वृद्धि के साथ 16,352 पर आ गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कल शाम 5 बजे पहले सुपर फोर मैच में भारत का मुकाबला जापान से होगा। भारत ने कल मेजबान इंडोनेशिया पर 16-0 की बड़ी जीत के साथ सुपर फोर के लिए क्वालिफाई किया था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलोर ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 92 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। आज की विजेता टीम का सामना फाइनल में गुजरात टाइटंस से होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में इस समय नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल अपने अपने मैच खेल रहे हैं। कल रोहन बोपन्ना पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में और सानिया मिर्जा महिला डबल्स के दूसरे दौर में अपनी चुनौती रखेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ड्रोन उद्योग में तेजी के कारण देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन समारोह भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ड्रोन तकनीक देश के अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में सहकारी संस्थानों के प्रमुखों के सेमिनार सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। इससे प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता बढ़ेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 वर्ष के कारावास की सजा। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रविवार से शुरू होगा। लद्दाख में नुब्रा घाटी में तुरतुक के पास एक वाहन दुर्घटना में सेना के 7 जवानों की मौत, 19 घायल। जकार्ता में एशिया कप हॉकी में कल पहले सुपर फोर मुकाबले में भारत का सामना जापान से होगा। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलोर ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 92 रन बना लिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।